बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इरफान आपके साथ आज एक और बहुत ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आया हूँ, मटन रोस्ट मसाला। यह बहुत ही स्पेशल और बहुत ही मज़ेदार मसाला, आप घर में ही इसको तैयार कर सकते हैं। बस आपने इसको मेरे तरीके के मुताबिक फॉलो करना है, तो इंशाल्लाह आपका ये मसाला 3 से 4 महीने के लिए आप इसको फ्रिज के अंदर सेफ भी कर सकते हैं। और जब आप मटन रोस्ट बनाना चाहें तो ये मसाला निकालें और उसको लगा लें। यह बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही स्पेशल तरीके के साथ आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। तो चलते हम अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफ़ेद ज़ीरा लिया है मैंने 1 टेबल स्पून कुटा हुआ, सुरख मिर्च 1 टेबल स्पून पाउडर, हल्दी 1/2 टेबल स्पून, नमक 1 टेबल स्पून, सूखा धनिया 1 टेबल स्पून कुटा हुआ, अजवैन कुटी हुई 1 टेबल स्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टेबल स्पून, लेमन फूड कलर 1/2 टीस्पून। ये सारी चीज़ों को आपने कुंडी डंडे में कूट लेना है या दरफड़ कर लेना है, आपने इसको ग्राइंडर में इसको पीसना नहीं है। इससे इसका जायका बहुत ज़बरदस्त आता है कुटा हुआ। तो जब आप इस्तेमाल करें तो फ्रेश आपने लहसुन और अदरक का पेस्ट आपने फ़्रेश इस्तेमाल करना है, और इसमें सिरके की हमें ज़रूरत होगी, वो भी आप उस टाइम फ्रेश इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो ये बहुत ही आसान रेसिपी है, आपने इसको मेरे तरीके के मुताबिक फॉलो करना है, तो इंशाल्लाह आपका बहुत ज़बरदस्त ये मसाला बनेगा। तो एक प्याली ले लीजिए और इसके अंदर आपने सफ़ेद ज़ीरा जो हमने लिया था वो ऐड कर दीजिए, सूखा धनिया, गरम मसाला, नमक, हल्दी, सुरख मिर्च, ये सारे मसाले आपने ऐड करके इसको अच्छी तरह आपने आपस में मिक्स कर लेना ताकि सारे मसाले एक जान हो जाएं। और इसके अंदर आपने थोड़ा सा फूड कलर जो 1/2 टीस्पून मैंने बताया था वो भी आपने ऐड कर देना है, और 1 टेबल स्पून अजवैन कुटी हुई वो भी आपने इसके अंदर डाल देना है। आपने सारे चीज़ें कुटी हुई डालनी है, कुटी हुई डालने से इसकी खुशबू, इसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त आता है। तो ये देख लें, ये हमारा मसाला बिल्कुल एक जान कर लीजिएगा, और ये मसाला आप इसको कटोरे में डाल के 2 से 3 महीने के लिए फ्रिज में रख दीजिए, तो ये आप 2 से 3 महीने के लिए ये आपका मसाला भी सेफ हो जाएगा। ये हमारा मसाला बिल्कुल रेडी हो गया है। ये बहुत ही आसान और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी थी जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। अभी आप जब भी रोस्ट कोई भी चीज़ मटन करें तो आप उस ये मसाला लाजमी यूज़ कीजिएगा, और मुझको इसको फीडबैक से ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो आपसे गुजारिश है, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल इरफान टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इरफान टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली नई रेसिपी जल्द से जल्द मिलती रहे। तो अभी मोहम्मद इरफान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।